बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात हुई है। सेना के टॉप कमांडर से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन सीमा पर सेना को मजबूत किया जाना बेहद जरूरी है। चीन से सटी सीमा पर सेना मजबूत की जाएगी, सीमा विवाद पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान को लेकर के क्या बोला ये देखिए आप, सीमा पार फायरिंग पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, मुमकिन हो तो आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार रहे। यानी काफी मुखर और काफी अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने सेना के टॉप कमांडर्स से मुखातिब होते हुए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन स्तरीय रणनीति बनाई है, चीन सीमा पर सेना को मजबूत किया जाएगा, चीन को लेकर के रणनीति नंबर वन, पाकिस्तान को लेकर के दूसरी रणनीति, और अलकायदा आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन से निपटने के लिए तीसरी रणनीति बनाई गई है। इंडियन न्यूज संवाददाता संजय शर्मा फोन लाइन पर लाइव मेरे साथ मौजूद है। संजय शर्मा मुझे ये बताइए, तीन स्तरीय रणनीति बनाई गई है, इसके बारे में एक एक डिटेल दीजिए, क्या कुछ बोला प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के टॉप कमांडर से? राजीव बैठक अभी भी जारी है, सेना के सैन्य कमांडरों के साथ बैठक अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली अपनी बातें कह चुके हैं सभी सैन्य कमांडरों के साथ, कुछ तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी अपनी बातें पूरी बैठक में रख चुके हैं। साथ ही साथ उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी हैं, अभी भी सैन्य कमांडर अपनी बातें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री वन टू वन सबसे बातचीत करके जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आखिर पाकिस्तान की चुनौती से निपटा जाए, बार बार गोलीबारी कर रहा है।